प्रमोशन, मदद एंड सपोर्ट, इन तीन लव से शायद ही कोई इतना परेशान हुआ होगा जो इन दिनों यूपी ब्लॉगर आराध्या हो रही हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ प्रिया दीप की, जिन्होंने सपोर्ट किया है आराध्या को और उन्होंने उनको चैनल क्रिएट करके दिया। जी हाँ, प्रिया दीप जी की भाभी है यूपी ब्लॉगर आराध्या, आप सभी को पता ही होगा। बट क्या आपको पता है इनके इस प्रमोशन के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं? एक ब्लॉगर ने तो इन पर इस तरह का वीडियो बना दिया जिनसे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बात पहुँच गई है पुलिस तक। तो आज मैं इस बारे में अपना खुद का ओपिनियन देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो यूपी ब्लॉगर आराध्या है, भले इनको चैनल क्रिएट करके दे दिया है प्रियादीप जी ने, बट वो उस चैनल को रन नहीं कर रही। यूपी ब्लॉगर आराध्या खुद इस चैनल को रन कर रही है, उन्होंने खुद एडिटिंग सीखी है। भले वो गांव की कोई छोरी हो या गांव की कोई गवार औरत जो कि क्लेम करती है, बहुत सारी यूट्यूबर जो उन पर वीडियो बना रही है, जो उनकी हेटर्स हैं उन पर वीडियो बना रही है, उनको कॉल कर रही है कि वो गांव की गवार है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि भले ही यूपी ब्लॉगर आराध्या एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, बट उनका भी एक सपना था कि वो भी आगे जाके अपने हस्बैंड को हेल्प करे और इसी वजह से वो भी कुछ करना चाहती थी। ऐसे टाइम पे प्रियादीप जी ने उनको प्रमोट किया, उनको चैनल क्रिएट करके दिया और वो आज एक सक्सेसफुल चैनल रन कर रही है। डेफिनेटली हर एक ब्लॉगर एक जैसी नहीं होती, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी की लैंग्वेज अलग। आप जहाँ से बिलोंग करते हो डेफिनेटली आप वही की लैंग्वेज में बात करोगे, तो अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो आप भी गांव में जाके सेम उसी तरह से बात नहीं कर पाएंगे, इट इज़ वेरी क्लियर। सो इसी तरह से यूपी ब्लॉगर आराध्या जो है वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, एक जॉइंट फैमिली में वो रहती है, इसकी वजह से उनको उसी तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, उठना बैठना पड़ता है या जो संस्कृति है वहाँ की। सो आप उनको बड़े बड़े चैनल्स की सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी का ओन स्टाइल होता है। वो क्लेम करती है कि वो वही दिखाती है जो वो है, वो एक साधारण सी यूट्यूबर है, बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीती है और वो साधारण सी ही जिंदगी को अपने यूट्यूब पे दिखाती है। और वो कभी क्लेम भी नहीं करती कि वो कुछ बड़ा चढ़ा के करना चाहती है यूट्यूब को चलाने के लिए, जो है वो दिखाती है और जो वो दिखाती है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो इससे किसी और को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पता है जो फादर होते हैं वो अपने बेटे को बिजनेस देते हैं, डेफिनेटली जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ हम अपना बिजनेस शेयर करते हैं, ये बहुत ही क्लियर सा फंडा है और इसमें कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। इसी नॉर्मल से तरीके से प्रियादीप जी ने उनको चैनल क्रिएट करके दिया है, बट वो आज उसे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। वो जिस भी तौर तरीके से रहती है वो उनका तरीका है, आप उसे कभी भी जज नहीं कर सकते और किसी को जज करना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई आपको चैनल क्रिएट करके दे रहा है या कोई आपको बिजनेस सेटअप करके दे रहा है, वो शायद आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट उस बिजनेस को कैसे रन करना है वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से आराध्या को उनका खुद का चैनल चलाना वो उनके खुद की इफ़िशेंसी पर डिपेंड करता है और वो उन्होंने साबित किया है, बहुत अच्छे से वो उस चैनल को रन कर रही है। वो जिस तरह से भी अपना चैनल चला रही है लोगों को वो पसंद आ रही है। सो हेटर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आराध्या जी जिस तरह से अपना चैनल रन कर रही है, वो एडिटिंग सीख रही है, नई नई चीज़ें सीख रही है, जो चीज़ें वो सीख रही है वो अपने जो सब्सक्राइबर है उनको वो दिखा रही है और उनको सब्सक्राइबर को भी वो बहुत पसंद आ रही है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है उनसे? और रही बात प्रियादीप के प्रमोशन की, तो कोई भी आपको प्रमोट एक बार करेगा, दो बार करेगा, चार बार करेगा, बट उसके बाद ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि पसंद आना ना आना वो सब्सक्राइबर के दिल में रहता है। जिसको वो पसंद आ रहे हैं वही उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई भी इतना अंधा नहीं होता कि आपने बोल दिया कि ये चीज़ अच्छी है और आप उसे कम्प्लीटली आँख मूंद कर विश्वास करें। तो इसी तरह से जो सब्सक्राइबर है वो भी इस तरह से आँख मूंद के नहीं है, वो देख रहे हैं कि वो क्या दिखा रही है, जो उनको पसंद आ रहा है, जिस तरीके की लाइफ जी रही है उस तरीके की लाइफ वो अपने चैनल पे दिखा रही है और लोगों को वो काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी हो सकती है। एक स्मॉल टाउन गर्ल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कोई सपने नहीं हो सकते, आप उसे पूरा नहीं कर सकते, आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते। इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है यूपी ब्लॉगर आराध्या ने, बहुत नई नई चीज़ें सीख रही है
और अपने चैनल को बहुत ही इफिशियंटली रन कर रही है। लास्ट में इस वीडियो को फिनिश करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम जिस तरीके से दूसरे को देखते हैं वो हमें वैसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए अपना नजरिया बदलिए, लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।